इस गोलू ने मुझे भिगो दिया। क्या कर रहा है? अरे क्या हुआ, झगड़ा क्यों कर रहे हो अचानक से? चुप से कह दी टट्टू, मैं भी तेरी सारी शैतानियां बताती हूँ बाबा को। अरे लेकिन हुआ क्या दर्पण? चार दिन से नहाया नहीं है, ये बदबू मार रहा है। मुझे तो इसके साथ स्कूल जाते हुए भी शर्म आती है। अभी मैं बोलती हूँ तो बीच में भ्रा भ्रा मत कर। अच्छा अच्छा, अब बिल्कुल चुप। और तुम भीग कैसे गई? मैं इसे नहला रही थी और इसने मुझे तालाब में गिरा दिया, पागल कहीं था। वो मजाक कर रहा होगा। नहीं आई, एक दिन मेरी चप्पल छुपा दी थी, किताबों पर भी बैठ जाता है ये। मुझे तो लग रहा है ये बोर हो जाता है, इसलिए मुझे तंग करता रहता है। अब मैं इसे किधर घुमाने लेके जाऊं? मैं भी तो बोर हो जाती हूँ ना। लेकिन मुझे पता है कि आई दिवाली की तैयारी में बिजी है, आप अपने काम में बिजी हो, अब दोनों थोड़ी ना हमें घुमाने लेके जा सकते हो। तो तू क्यों छोटे बेबी जैसे जिद करता रहता है? दर्पण, बाबा तो फ्री, अपने आई से पूछ लो, वही हमेशा बिजी होती। नहीं, तुम्हारे बाबा जो है ना, उन्हें ऑफिस का काम होता है और कभी कभी तो लगता है दुनिया का सारा काम बाबा के कंधे पर है। और जो पूरा दिन घर के काम में बिजी होती है, हा? हमारे लिए टाइम है आई के पास? हाँ तो घर का काम करने में दिन रात एक नहीं करना पड़ता क्या? और इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बाहर घूमने नहीं जा सकते। और वैसे भी अगर हम बाहर घूमने जाएंगे तो घर में किसी को काम क्यों करना पड़ेगा? अरे वाह, आई तो मान गई। बच्चा मैं तुम्हें तुम ही बताओ कहाँ घूमने जाना है? हम पिकनिक पे जाएंगे, बीच पे। तूने सुना गोलू मन, हम सब दिवाली की पिकनिक पे जा रहे हैं। अब तो तू खुश है ना? ये हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं। थैंक यू बाबा। Thank you.